So hello guys, welcome to my channel. Today we're gonna discuss about five terms and terminology about child health nursing. तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. मैं टॉपिक्स ले लेता हूँ, बात करते हैं इसके बारे में. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक्स है हुपिंग कफ. हुपिंग कफ क्या होता है? कफ मतलब है खांसी. हुपिंग का मतलब आपको समझाते हैं. बेसिकली देखेंगे आप ज्यादातर बच्चे में कहीं कहीं होता है ऐसा गड़गड़, मतलब पूरा का पूरा यहाँ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा का पूरा जो है जाम हो जाता है. बोलते हैं कि ठंड लग गया, लेकिन नहीं, ठंड ऐसा नहीं लगता है. बेसिकली क्या है, ये बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, बेसिकली एक बैक्टीरिया है बॉर्डीटेला पर्टियोसिस, ये जो बैक्टीरिया है अगर किसी बच्चे के अंदर घुस जाए और इरिटेशन इंफ्लेमेशन वगैरह कुछ फैलाने स्टार्ट कर दे और बच्चे का साइड इफेक्ट में क्या दिखा जाए, तो उसको जो है खांसी आता है, बहुत ज्यादा जुखाम होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली हुपिंग कफ. मतलब बाहर से जो बैक्टीरिया किसी बच्चे के बॉडी के अंदर घुस के काम कर रहे हैं, खुद का सेल के अंदर घुस के खुद का काम कर रहे हैं, उसका जो रिएक्शन होता है बेबी के अंदर कफ होता है या जुखाम होता है, उसको उस कफ को या उस खांसी को हम क्या बोलते हैं, हुपिंग कफ. तो चलिए सेकंड टॉपिक्स लेते हैं जो कि है हमारा क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट प्लेट. तो क्लेफ्ट का मतलब क्या है, CLEFT, क्लेफ्ट का मतलब हो गया कटा हुआ, ठीक है, कटा हुआ को क्लेफ्ट बोलते हैं. क्लेफ्ट लिप मतलब कटा हुआ लिप, क्लेफ्ट प्लेट मतलब हमारा प्लेटलेट जो मुंह के अंदर रहता है, क्लेफ्ट प्लेट मतलब कटा हुआ प्लेट. तो ये देखिए बेसिकली क्या, नॉर्मली जो बच्चा होता है, बच्चा जब प्रेगनेंसी से डिलीवर हो रहे हैं उसके बाद जो पूरा का प्रोसेस है एक स्टेप बाय स्टेप होता है. हमारा हम जब पैदा हुए थे तभी जो है हमारा बॉडी का सब सिस्टम नहीं काम करते थे या हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है सभी जो है प्रिपेयर नहीं हुआ था. तो ये दिन ब दिन बहुत टाइम लगता है, इसका प्रोसेस जो है बहुत ही धीरे धीरे से होता है, डेवलप होता है. तो देखिए बेसिकली क्या हो, बच्चे के अंदर मान लो लिप, टांग, मुंह के अंदर वकल कैविटी में मसूड हो गया, नोज हो गया, ठीक है, लिप्स हो गया, ये जो चीज है बेसिकली एक कवर के अंदर रहता है, ठीक है. इसका जो है ये क्या होता है, ये आपस में फ्यूज होके कनेक्टिविटी बनाता है और इसका कवरिंग एक बना देता है कुछ ऐसा कि उसके वो जो है हार्ड हो जाए. अगर आपके लिप्स में ये जो है सेफ्टी पिन है, अगर आपसे आपके लिप्स में इस तरह से इसको चुबाने की कोशिश करें तो उतने जल्दी जो है नहीं घुसेगा क्योंकि हमारा जो है कवरिंग प्रिपेयर हो गया है. लेकिन बच्चे में क्या है, देखते हैं बच्चे के लिप्स जो होता है बेसिकली पिंक पिंक कलर का होता है, तो उसका जो है कवरिंग थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में डेवलप होते रहता है. अगर किसी बच्चे का वो कवरिंग ठीक ठाक से नहीं तैयार हुआ है तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्लिप लिप या क्लिप प्लेट. तो किसी किसी बच्चे में अगर ये ठीक ठाक से नहीं होता है तो क्या होते हैं, देखते हैं लिप जो है, लिप बेसिकली दोनों हिस्से में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, और जिसका लिप डिवाइड होता है उसका जो ऊपर में प्लेटलेट होता है मुंह के अंदर, तो उसका जो ऊपर का प्लेट है वो भी कटा हुआ रहता है, यानी कि कटा हुआ लिप्स के साथ कटा हुआ प्लेटलेट. तो ये जो हो गया बेसिकली क्लिप लिप या क्लिप प्लेटलेट के बारे में. तो चलिए दोस्तों देखते हैं नंबर थ्री जो पॉइंट है हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हम क्या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखिए दोनों वर्ड जो है टोटली अलग है, ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है. ग्रोथ मतलब क्या हो गया, आप जो कोई बच्चा अगर प्रेगनेंसी से डिलीवर होते हैं बाहर आता है तो धीरे धीरे जो है प्रोसेस काम करने लगता है, हमारा इंटरनली क्या सेल बड़ा होते हैं, नंबर सेल का नंबर जो है बड़ा हो जाता है, टिश्यू बड़ा होते हैं, टिश्यू का नंबर जो है बड़ा हो जाता है क्वांटिटी में, तो बोन बड़ा हो जाते हैं, मसल बड़ा हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ग्रोथ. और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट टोटली अलग सा चीज है, हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ बड़ा हो गया ये है ग्रोथ, और हमारे बॉडी में सब कुछ ऑर्गन तैयार हो गया ये है ग्रोथ. डेवलपमेंट क्या है, वो ऑर्गन ठीक ठाक से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो मसल है मसल का इलास्टिसिटी रिलैक्सेशन या
जो कुछ भी चीज है ठीक ठाक से हमारे बॉडी में काम हो रहे हैं कि नहीं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज अगर एक साथ में मिला दिया जाता है तो उसको एक ही साथ बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बेसिकली देखिए डेवलपमेंट जो चीज है ये मेंटली और फिजिकली अगर टोटली गुड कंडीशन में है तो ही उसको हम बोलेंगे कि अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। तो यह हो गया बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बात करेंगे जो कि है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों टॉपिक्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या होता है, 6 मंथ के पहले बेबी को क्या दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क दिया जाता है, ठीक है राइट। तो 6 मंथ के पहले ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क दिया जाता है बेबी को, और 6 मंथ के बाद क्या दिया जाता है, हम जो खाते हैं दाल चावल हाँ वगैरह वगैरह केक बिस्किट चॉकलेट वगैरह सभी कुछ जो है बच्चे खाते हैं, क्योंकि उसका जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है पूरा का पूरा ट्रैक है वो अच्छे तरह से काम हो और उसको समझ आए कि बाहर से भी जो चीज है लिक्विड के वगैरह बाहर से भी जो चीज है उसको भी हमको खाना है। तो ये क्या हो गया, ये खाना मतलब नॉर्मली सा जो खाना खाते हैं हम, प्रोटीन विटामिन फाइबर कार्बोहाइड्रेट फैट जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको पाने के लिए जो 6 मंथ के बाद मतलब नॉर्मली सा खाना खाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। और सप्लीमेंट्री फीडिंग में क्या होते हैं, 6 मंथ के बाद नॉर्मली खाना खाने के साथ अगर आपके बॉडी में किस चीज का कमी है, मतलब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिनरल्स ठीक है आयरन ये सब वगैरह अगर किसी किसी का मात्रा और क्वांटिटी अगर कम हो जाए तो बाहर से एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसको प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके बॉडी में विटामिन्स का कमी महसूस हो रहा है तो बाहर से जो है विटामिन एक्स्ट्रा देगा। खाना नॉर्मली सभी खाते हैं, खाना खाने के बाद भी एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिएंट्स देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो यही था बेसिकली 5 टर्म्स ऑन टर्मिनोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।